वेलकम दोस्तों, आपका एक बार फिर से हम बालाजी कोचिंग क्लासेस स्वागत करते हैं आपका। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ये खास वीडियो लेके आया हूँ, खास हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हरियाणा रोडवेज कंडक्टर भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम ये स्पेशल वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपसे नाराज़ हूँ, थोड़ा सा मेरा हौसला भी टूटा है, क्योंकि पीछे व्यूज़ देखे तो हमारी दो तीन पोस्टों पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ काफ़ी आए हैं, एक पे तो लगभग 5,000, एक पे 2-3,000, लेकिन उस हिसाब से चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया। तो थोड़ा सा हमारा भी हौसला, क्योंकि हम इतना टाइम निकाल के एक एक वीडियो में पूरा पूरा दिन लग जाता है एक वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, फिर उसको डालने में। तो दोस्तों, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि ये बालाजी कोचिंग क्लासेस आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहे, और मेरे पास काफ़ी मटेरियल्स है सब क्लासेस से रिलेटेड, काफ़ी मटेरियल्स है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, कोई भाई हमारा या बहन कोई भी है, भाभी कोई भी है, यदि हमारी वजह से कोई कामयाब होता है तो हम बहुत ही अपने आप को इसके लिए आभार व्यक्त करेंगे अपने आप का। तो प्लीज़ मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, यदि क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा इसमें, ठीक है, वरना हमें तो फिर ये चैनल बंद करना पड़ेगा यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो। तो दोस्तों, चलते हैं हम अब हमारे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट एड से रिलेटेड, हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए कि फ़र्स्ट एड से कुछ क्वेश्चन लिए हैं फ़िलहाल तो, लेकिन काफ़ी सारा मटेरियल्स है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। उसी अभियान के तहत बालाजी कोचिंग क्लासेस ये पहला क्वेश्चन आपको करवा रहा है कि हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, कैसे आप ओपन करोगे एयरवे को, एयरवे जो यानी पीछे बसों में भी सब में सब जगह पीछे की तरह एक एयरवे होता है, तो हिल्ड टिल्ट एंड चिन टिल्ट अनकॉन्शियस कैजुअलिटी का एयरवे कैसे ओपन करोगे आप हिल्ड टिल्ट एंड चिन टिल्ट से, यानी सिर को थोड़ा सा टिल्ट करके और चिन ठुड्डी को थोड़ा सा लिफ्ट उठा के हम इस प्रकार से एयरवे को ओपन करने का प्रयास करेंगे। सेकंड, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, यदि आप अनकॉन्शियस कैजुअलिटी इज ब्रीथिंग नॉर्मली, हाउ लॉन्ग वुड यू चेक टू सी इफ एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, अनकॉन्शियस कैजुअलिटी होती है आपकी गंभीर रूप से घायल अवस्था, इज ब्रीथिंग नॉर्मली, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम आप नहीं ले सकते इसमें, ये आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, यू आर ए लॉन्ग फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीथिंग अडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, नॉन ब्रीथिंग अडल्ट है यानी जिसको सांसें नहीं आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, अनकॉन्शियस है, वो मूर्छित अवस्था में है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप 911 या 112 जैसे हेल्पलाइन नंबर होंगे आपके, उससे रिक्वेस्ट करोगे कि एक आप AED यानी एक डिफाइब्रिलेटर और एक एम्बुलेंस भेजने की, डिफाइब्रिलेटर एक प्रोसेस होती है जो कि एम्बुलेंस में लगी होती है जो मरीज को ऑक्सीजन देने का, सांस जो कृत्रिम रूप से सांस लेने में सहायता करती है, तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे बाकी सब कामों को छोड़ के। विच इज़ द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रेथ फॉर यूज इन CPR ऑफ एन अडल्ट कैजुअलिटी, 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, इसके जो आंसर होगा आपका 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स। Which of the following is the correct sequence of chain of survival? तो पहले आप 911-112 को help करोगे, CPR चेक करोगे, defibrillation पे लोगे और advanced care करोगे उसकी बहुत ही ज़्यादा, ये आपका process होगा। Next है, what is the cause of angina? Angina का क्या cause होता है? Angina जो मूर्छित अवस्था होती है कि जो हमारा heart muscles होती हैं उनके पास क्या है, blood का न पहुँच पाना, पूर्ण रूप से जो खून है हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाता, तो वो आपका कोज होता है एंजिना का, आपको याद रखना है। व्हाट शुड ए कैजुअलिटी विद ए सेवरे एलर्जी कैरी एट ऑल टाइम, सेवरे एलर्जी होती है आपकी गंभीर रूप से बहुत ही प्रचंड एलर्जी, तो उसका कारण हो सकता है आपका एड्रेनलिन,
एड्रेनलिन एपिपाइपन, ये एक हार्मोन्स होता है। विच टेस्ट शुड यू यूज इफ यू सस्पेक्ट दैट ए कैजुअल्टी हैड ए स्ट्रोक, यानी बहुत ज़्यादा उसको सिर के ऊपर गंभीर चोट आई है, तो आप फेस आर्म्स स्पीच टेस्ट करेंगे, उसका फेस हिला के देखेंगे, आर्म्स को देखेंगे और उसका स्पीच टेस्ट करके देखेंगे। तो ये सबसे पहले आप ये काम करके देखेंगे, फेस आर्म्स स्पीच टेस्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ए स्ट्रोक, यानी इनमें से क्या, तो इसका ऑप्शन है ए ब्लड क्लॉट इन एन आर्टरी इन द ब्रेन, यानी हमारे ब्रेन के अंदर जो खून लेके जो धमनियां लेके जाती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, उनके अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जमा हो जाता है। तो ब्लड जमा हो जाएगा वहां पे, तो क्या है, हमारे ब्रेन को पूरी तरह से क्या है, खून नहीं मिल पाएगा और एक जो स्ट्रोक है, यानी एक हमारा जो ये कह सकते हो कि ब्रेन काम करना छोड़ देता हो, हृदयाघात जिसे हम बोलते हैं एकदम से, वो हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड योर फर्स्ट एक्शन बी व्हेन ट्रीटिंग एन इलेक्ट्रिकल बर्न, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा जब हम ट्रीट कर रहे होंगे इलेक्ट्रिकल बर्न का। आप सबसे पहले डेंजर को चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कॉन्टैक्ट क्या इलेक्ट्रिकल सोर्स के, कि भाई वो ब्रेक भी हो जाए। यदि आपने पेशेंट को लगाया और कहीं वो झटका लगा ही रह गया, बस फिर क्या था, हो गया फिर तो काम। तो ये इन चीज़ों को आपको देखना है, तो चेक फॉर डेंजर एंड इंश्योर दैट कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रिकल सोर्स इज ब्रोकन। ब्रोकन यानी उनके बीच में कनेक्टिविटी टूटनी भी चाहिए, ये नहीं कि लगा है तो लगा ही रहने दो। व्हाट इज एन ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, ए फ्रैक्चर इन विच द बोन इज एक्सपोज्ड एज द स्किन इज ब्रोकन, यानी जो बोन है वो एक्सपोज्ड रहती है लेकिन जो स्किन है वो थोड़ी सी ब्रेन हो जाती है, वो आपका ओपन फ्रैक्चर होता है आपका। विच मेडिकल कंडीशन विल डेवलप फ्रॉम सेवरे ब्लड लॉस, बहुत ही तेज प्रचंड रूप से यदि ब्लड लॉस हो जाता है तो क्या हो सकता है, सॉक्स, यानी ऐसा हृदयाघात आ सकता है हमें कि हमें उसमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हम मूर्छित अवस्था में भी जा सकते हैं। व्हाट नेम आर गिवन टू द थ्री डिफरेंट डेप्थ ऑफ बर्न, क्या है, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, ये नाम हमने इसको दिए हैं, क्या नाम दिया है, सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और सुपरफिशियल होता है कि बिल्कुल ऊपर स्किन के बिल्कुल ऊपर से, पार्शियल थिकनेस होती है थोड़े से हल्के से तौर पे हमारी थिकनेस में बर्न करना, और फुल कि बहुत ही अंदर गहराई तक हमारी क्या है, जला दिया गया हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए फेंट, ए ब्रीफ लॉस ऑफ अनकॉन्शियस, फेंट होती है आपकी मूर्छित अवस्था, अनकॉन्शियस होना। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम ए नोज ब्लेड, क्या करोगे यदि नोज ब्लेड से, क्या स्टेप करोगे, सीट कैजुअली डाउन, जो कैजुअलिटी है उसको बिल्कुल नीचे बिठा दोगे, लीन फॉरवर्ड पीछे की तरफ मुड़ोगे एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, और जो सॉफ्ट पार्ट है हमारे नोज का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको पिंच करोगे, ये सही तरीका है आपका। तो दोस्तों ये हम आपके लिए 15 बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे और हमने आपको इनको समझाने का भी प्रयत्न किया है और उम्मीद करते हैं ये आपके कुछ हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम में। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम फर्स्ट एड से रिलेटेड कंडक्टर भर्ती से लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कोचिंग क्लासेस को ट्यून करें, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हमें दिखेंगे उतना ज़्यादा हमें हौसला होगा, उतना ज़्यादा हमारा दिल करेगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा जो मटेरियल हमारे पास है वो आपको प्रोवाइड करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।